नमस्कार, जेके न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। नोएडा के एस एन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन मीडिया एवं फिल्म के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में स्थापित है मार्वल स्टूडियो में 12 सितंबर को ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल कर्टन रेजर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान की संस्कृति के साथ मिलकर आगे बढ़ना। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। समाज को सकारात्मक बनाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है। उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधि ने मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा को अपनी संस्कृति का उत्कृष्ट नमूना उपहार स्वरूप भेंट किया। ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल कर्टन रेजर कार्यक्रम में अजमाने आई मंसूरों ने उज्बेकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में अशोक त्यागी जैसे कई गणमान्य लोगों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति कराई। आज यहाँ पे कर्टन रेजिंग था, सबको बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने बहुत अच्छा कल्चरल प्रोग्राम देखा। आगे आने वाले 4 दिनों में हमें और क्या देखने को मिलेगा? ये हमारा 4th एडिशन है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2018। इससे पहले हमारे 3 बड़े एडिशन हो चुके हैं और तीनों लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर हम लोगों ने देश और विदेश से लोगों को यहाँ बुलाया और अपने देश के कल्चर के साथ जोड़ा है। आज कर्टन रेजर इवेंट रहा है 4th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का, और इस फेस्टिवल के कर्टन रेजर में हमारे पास उज़्बेकिस्तान से आए हुए 16 कलाकार हैं जिन्होंने यहाँ पर गीत गाए। यहाँ पर संगीत की इतना खूबसूरत प्रोग्राम हुआ और डांस और ड्रामा आप लोगों ने खुद भी देखा, जिसकी बेहतरीन तारीफ हुई है। मैं एम्बेसी ऑफ उज़्बेकिस्तान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने बड़ा प्रोग्राम इस 4th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के कर्टन रेजर पे रखा। हम लोग आने वाले बाकी 3 दिनों में, जो कि 13, 14, 15 तीन दिन हमारा यहाँ पर ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल रहेगा, इसके अंतर्गत हम लोगों ने वर्कशॉप, सेमिनार, सिंपोजियम, इंटरैक्शन प्रोग्राम, टॉक्स, पोस्टर रिलीजेस, फोरम रिलीजेस, बुक रिलीजेस और इसके साथ साथ फिर अन्य एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का भी हम लोगों ने आयोजन करके रखा हुआ है। आइडिया तो ये था कि इतिहास से साहित्य बनता है और साहित्य से संस्कार बनते हैं। अगर ये बात सब लोग समझ लें तो मुझे ऐसा लगता है कि लिटरेरी फेस्टिवल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मैं तकरीबन 25,000 से 30,000 की ऑडियंस यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तकरीबन मारवा स्टूडियो के सभी 9 हॉलों में आयोजन पूरा तैयारी हो चुकी है। आज के कार्यक्रम को देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले इन 3 दिनों में तकरीबन 52 इवेंट हम लोगों ने प्लान किए हैं और अलग अलग मुल्कों से लोग यहाँ पर मौजूद होंगे जो अपनी बात कहेंगे। हर खबर सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल जेके न्यूज़ को।